आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच का आखिरी दिन था, जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है और बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज को भी जीत लिया है। बांग्लादेश की टीम की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की टीम ने न केवल उनको उनके घर पर हराया, बल्कि बांग्लादेश की टीम ने इस मैच को जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली है। बांग्लादेश की टीम की इस जीत के बाद अब सभी का इंतज़ार है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज होने वाली है दो टेस्ट मैचों की, तो उसको लेकर अब सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उनके घर पर हराया है तो ऐसा तो देखने में लगता है कि बांग्लादेश की टीम भी भारत को टक्कर देने के लिए ज़रूर आएगी। बांग्लादेश और भारत के बीच में अगर टक्करदार मुकाबले देखने को मिलते हैं तो उससे फैंस को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अब इसको लेकर सबसे पहले बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान कब होगा, हम आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय टीम का ऐलान दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड के बाद संभव है। ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान होगा वो दिलीप ट्रॉफी के पहले लेग के बाद संभव है, यानी पहला राउंड जब हो जाएगा तो उसके बाद भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है। उस दौरान ऐलान होने की संभावना कम है, यानी उसके बाद ही ऐलान होगा। और ये भी हम आपको बता दें कि भारतीय टीम का दिलीप ट्रॉफी पर अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के ऊपर जो भी अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे उस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भारतीय टीम का सिलेक्शन कुछ और बेसिस पर होने वाला है। जिस तरीके से रीसेंट में जो भारतीय टीम में टेस्ट प्लेयर्स खेले हैं उन्हीं टेस्ट प्लेयर्स को ज़्यादातर भारतीय टीम में मौका दिया जाएगा, ना कि दिलीप ट्रॉफी में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस दौरान। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि भारतीय टीम का ऐलान कब संभव है। हम अब आपको ये भी बता दें कि किन किन नामों पर मोहर लग सकती है और किन नामों का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि विराट कोहली, ये इनकी वापसी संभव है और इनकी वापसी करते हुए ये जो इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचेस खेले जाने वाले थे 5, उसमें नहीं खेले थे तो ये वापसी करते हुए दिखेंगे। वहीं आपको बता दें कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे और शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एज यूजुअल ओपनर के तौर पर दिख सकते हैं। सरफराज खान का भी चयन हो सकता है। सूर्यकुमार यादव का चयन नहीं होगा क्योंकि सूर्यकुमार यादव अभी इंजर्ड हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो सूर्यकुमार यादव को लेकर कोई रिस्क उठाया नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर्स में अगर देखा जाए तो जडेजा की वापसी होती हुई दिख सकती है, अक्षर पटेल भी हैं। इसके अलावा अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन, इसके अलावा कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ये कुछ नाम हैं जो कि खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि किन नामों पर मुहर नहीं लगती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह जो कि इस टेस्ट सीरीज से बाहर ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी पर भी अभी रिस्क नहीं लेगी BCCI और वहीं ऋषभ पंत की वापसी होती हुई दिखेगी। तो इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।